जिसको हम बोलते हैं कि दिमाग का दही कर देने वाला काम, जो आपने कभी ना ही देखा होगा और ना ही कभी किया होगा। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप नॉर्मली किसी भी एम्ब्रॉयडरी जो करते हैं उनसे करवाने जाओगे कि अभी मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, अभी आप उस पर कोई और कलर करके दो, तो आपको कोई ऐसा कारीगर नहीं मिलेगा कि वो ये चीज करने के लिए हाँ बोले। पर मेरा थोड़ा अलग है, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ तो उसको पूरी निभाती हूँ। अगर आप एम्ब्रॉयडरी तो प्रैक्टिस करने के बाद सीख पाओगे, पर इससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ये वीडियो के थ्रू, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो ये मेरा वीडियो है, वो आप एंड तक देखिएगा कि ये चीज करने में क्या क्या दिक्कत आती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर एम्ब्रॉयडरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई भी वीडियो आपको आज तक यूट्यूब पे कोई मिलेगा। तो मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि ऐसा काम करते वक्त आपको कौन कौन सी परेशानी आ सकती है कि जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहे। तो क्या होगा कि कोई कोई चीज ऐसी होती है कि हमें उसका, अगर वो नुकसान हो जाने के बाद हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उसको अच्छे से यूज में ला सकते हैं, अगर उस चीज का जवाब आपके पास है तो आई चैलेंज यू कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही एक चैलेंज था मेरे सामने कि मुझे ये जो मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क किया था, मैं आपको पिक्चर में साइड में दिखा रही हूँ कि पहले मैंने इस तरीके का पूरा वर्क करके दे दिया था, पर उनको पसंद नहीं आया तो वो मेरे पास रिटर्न आए और मुझे बोला कि ये हमें पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमें इसके ऊपर कुछ भी करके चेंज करके दो तो ही वो मुझे काम आएगा, अदरवाइज वो ब्लाउज मुझे काम नहीं आएगा। तो मेरा चैनल का जिस तरीके से मैंने टैगलाइन रखा है कि परफेक्शन बेटर देन प्राइस, तो उसके चलते मैं इसको रिपेयर करके देना ही ठीक समझूंगी। तो मैंने ये जो यो मेरे सामने जो एक चैलेंजिंग पॉइंट था कि हमने पूरा वर्क कर दिया है, ब्लाउज पूरा सिल गया है, अब इसके ऊपर फ्रेम बिठाने में ही सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी कि हम इसके ऊपर फ्रेम ही नहीं बिठा पाएंगे, फिर भी मैंने ये चैलेंज लिया है। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी करना या प्रैक्टिस में है, जो खुद अभी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल, यूजफुल और लाइफ टाइम जो हमारे सामने चैलेंज आता है उसको फेस करने के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।